सदन की ओर से आज का सुविचार। कामयाबी सुबह की तरह होती है, जो मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। विचार एक बार पुनः, कामयाबी सुबह की तरह होती है, जो मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। सुप्रभात, आप लोग प्रस्तुत है राज्य सदन की ओर से आज का समाचार पढ़ना। समाचार प्रशासन और डिजिटल मानक प्राधिकरण ने आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए कुछ राष्ट्रीय चैनलों पर लगाया जुर्माना। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार केंद्र सरकार मार्च में वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर स्थित 5.8% राजकोषीय घाटे की उम्मीद। WTO मीट 2024 का पांचवा दिन शीर्ष सदस्यों यानी भारत, अमेरिका और यूरोपीय संघ की उपस्थिति में सफलतापूर्वक किया गया आयोजित। मुख्य फोकस कृषि, मत्स्य पालन जैसे मुद्दों पर किया गया था। अब समाचार खेल जगत से। BCCI 28 मार्च को पुणे में और वुमेन रेड बॉल टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए तैयार। WPL 2024 कप्तान स्मृति मंधाता की 74 रन के शानदार पारी के बावजूद डीसी ने हारी RCB। तैराकी के बाद फ्री स्टाइल में भारतीय टीम ने एशियन एज ग्रुप चैंपियनशिप में सर्वश्रेष्ठ समय के साथ राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। धन्यवाद, आपका दिन मंगल। प्रभात, आप सभी को प्रस्तुत है आरावली सदन की ओर से आज का शब्द। इंग्लिश में मोटिवेशन, हिंदी में अभिप्रेरणा और गारो में डिडियन। अब मैं आप सभी के सामने दो शब्द प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो कि इस प्रकार। सोचो मत, शुरुआत करो, वादा मत करो, करके दिखाओ। याद रखना, वही इंसान तकदीर बदलता है जिनके रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। आंखों में नींद बहुत है लेकिन सोना नहीं है। कुछ करने का वक्त है, इसे खोना नहीं है। कहते हैं यदि मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थकर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जीवन में कुछ लोग अपनी जिंदगी को कठिन मानकर गलत रास्ता चुन लेते हैं, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मानता हूँ जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से तो कुछ नज़र अंदाज से। अगर आप वही कर रहे हैं जो आप हमेशा से करते आ रहे हैं, तो आपको वही मिलेगा जो आपको हमेशा से मिलते आया है। जिंदगी जीने का नाम है, रुकने का नहीं। परेशानी में यदि कोई आपसे सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ आप अपना साथ भी दे देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है लेकिन साथ कभी नहीं। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय। सुप्रभात, आप सभी को प्रस्तुत है अराली वरीय सदन की ओर से आज का क्यूज। मेरा पहला प्रश्न अराली वरीय छात्र के लिए होगा, फलों का पकना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? आपका उत्तर बिल्कुल सही है, इथाइलिन। मेरा अगला प्रश्न नीलगिरी सीनियर बॉयज के लिए होगा, DNA की खोज किसने की? आपका उत्तर बिल्कुल सही है, वाटसन एंड क्रिक। मेरा अगला प्रश्न शिवालिक वरीय छात्र के लिए होगा, एंजाइम टर्म किस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है? आपका उत्तर बिल्कुल सही है, खून। मेरा अगला प्रश्न उदयगिरी बॉयज के लिए होगा, माइटोकॉन्ड्रिया टर्म किस साइंटिस्ट ने दिया है? प्रश्न एक बार पुनः, माइटोकॉन्ड्रिया टर्म किस साइंटिस्ट ने दिया है? आपका उत्तर बिल्कुल सही है, बेंडर। मेरा अगला प्रश्न अरावली बॉयज के जूनियर बॉयज के लिए होगा, मानव शरीर में सच्ची पसलियों ट्रू रिब की संख्या कितनी है? प्रश्न एक बार पुनः, मानव शरीर में सच्ची पसली ट्रू रिब की संख्या कितनी है? आपका उत्तर बिल्कुल सही है, 14। मेरा अगला प्रश्न नीलगिरी जूनियर बॉयज के लिए होगा, जीव विज्ञान की उस शाखा का नाम बताएं जिसमें वायरस का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न एक बार पुनः, जीव विज्ञान की उस शाखा का नाम बताएं जिसमें वायरस का अध्ययन किया जाता है? आपका उत्तर बिल्कुल सही है, वायरोलॉजी। मेरा अगला प्रश्न शिवालिक जूनियर बॉयज के लिए होगा, सबसे छोटा कोशिका कौन है? आपका उत्तर बिल्कुल सही है, PPLO माइक्रोप्लाज्म। मेरा अगला प्रश्न उदयगिरी जूनियर बॉयज के लिए होगा, सामान्य मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? प्रश्न एक बार पुनः, सामान्य मनुष्यों में गुणसूत्र यानी कि क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? आपका उत्तर बिल्कुल सही है, 46। मेरा अगला प्रश्न अरावली गर्ल्स के लिए होगा,
वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? प्रश्न का पुनः, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रास्टस। मेरा अगला प्रश्न नीलगिरी गर्ल्स के लिए होगा, जंतु विज्ञान के जनक कौन है? आपका उत्तर बिल्कुल सही, अरस्तु। मेरा अगला प्रश्न शिवालिक गर्ल्स के लिए होगा, ऑक्सीजन की खोज किसने की? प्रश्न एक बार पुनः, ऑक्सीजन की खोज किसने की? सही उत्तर जोसेफ प्रीस्टली। मेरा अगला प्रश्न उदयगिरी गर्ल्स के लिए होगा, कॉकरोच का साइंटिफिक नाम क्या है? प्रश्न एक बार पुनः, कॉकरोच का साइंटिफिक नाम क्या है? पेरी प्लानाटा अमेरिकाना। मेरा पेरी प्लानाटा अमेरिकाना। मेरा अगला प्रश्न सभी छात्रों के लिए होगा, मानव का साइंटिफिक नाम क्या है? आपका उत्तर बिल्कुल सही है, होमो सेपियंस।